नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका मान। चुनाव नजदीक है और उत्सुकता बढ़ जाती है अपने इंटरेस्ट वाली विधानसभा के बारे में जानने के लिए। आज हम बात करेंगे उस विधानसभा सीट की जहां का हस्तनिर्मित उत्पाद बहुत प्रसिद्ध है और जिसके नाम में पानी की कुई आती है, तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति कितनी गहरी होगी। आज हम बात करने वाले हैं बांदीकुई विधानसभा सीट के बारे में। बांदीकुई से गजराज खटाना को कांग्रेस ने उतार कर अपना दाव खेल दिया है और बीजेपी ने अपना विश्वास दिखाया है भागचंद डाकरा पर। सबसे पहले बात करें यहां के जातिगत समीकरण की, तो यहां पर पिछले चुनाव में कुल 2,03,726 मतदाता थे, जिनकी संख्या अब बढ़ गई होगी। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसमें जातिगत समीकरण कांग्रेस के पक्ष में रहा है। यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी भी जीतकर दूसरी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में, इस विधानसभा सीट पर कुल 2,03,726 मतदाता थे और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार गजराज खटाना को 56,433 वोट देकर विजय श्री प्रदान की थी और विधायक बना दिया था, जबकि भाजपा उम्मीदवार रामकिशोर सैनी को 51,669 मतदाताओं का भरोसा हासिल हुआ था और वो 4,764 वोटों से हार गए। इस सीट पर 8 बार कांग्रेस ने और 3 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की। अब बात करें कांग्रेस प्रत्याशी गजराज खटाना की, तो इन पर कांग्रेस को पूरा विश्वास है। सेल्स टैक्स ऑफिसर की नौकरी छोड़कर खटाना ने 2008 में राजनीति में अपना योगदान देना शुरू किया था। उनकी पत्नी गीता खटाना दौसा जिला प्रमुख रह चुकी हैं। खटाना को 2013 में टिकट नहीं मिला था और 2018 में टिकट मिला और वो जीत कर अपनी वर्चस्व की लड़ाई भी जीत चुके थे। खटाना पायलट गुट के माने जाते हैं। अब बात करते हैं बीजेपी प्रत्याशी भागचंद डाकरा के बारे में, तो पिछले चुनाव में उन्होंने बसपा की तरफ से चुनाव लड़ा था। डाकरा पेशे से प्रॉपर्टी कारोबारी है। थोड़े समय पहले ही उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो आज बात की बांदीकुई विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण के बारे में। अगली बार एक और विधानसभा सीट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे वहां के चुनावी समीकरण के बारे में। अभी के लिए नमस्कार।